अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो रात के 3 बज रहे हैं और मेरे को जो है ना नींद नहीं थी आ रही, तो मैं उठ के बैठ गया हूँ। मैं पानी पीने उठा था तो मेरे को नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही है। देखिए मैं अपने बिस्तर पर लेटा हूँ, कभी इधर की करवट ले रहा हूँ, कभी उधर की करवट ले रहा हूँ, पर नींद जो है मेरे को आई नहीं, पता नहीं क्यों। बाकी सब सो रहे हो, देखे रोबी और मायरा के भी कमरे का दरवाज़ा लॉक है, वो लोग भी सो रहे हैं, हैरी और रिदा भाभी भी सो रहे हैं। तो मैंने कहा मैं चलो, आज 27वीं शब थी तो आप लोगों को 27वीं शब की भी मुबारकबाद दे दूँ। तमाम मुसलमान बहन भाइयों को 27वीं शब बहुत बहुत मुबारक हो। तो पानी पीने जा रहा हूँ अभी मैं उठ के, ये देखें अभी बज रहे हैं रात के 3:30, रात के 3:30 बज रहे हैं। और ये मेरे साथ सैली उठी हुई है, बस मैं और सैली उठे हुए। अब मैं सैली के साथ क्या बातें करूँ उठे हुई के साथ, मेरे को ये भी समझ नहीं आ रहा। तो चले पानी पीते हैं। और ये दाग को आप स्किप कीजिएगा, मेरी वेस्ट के ऊपर जो है, ये अम्मी जो है ना मेरे कपड़े ब्लीच में धोती है तो ब्लीच का दाग है। और ये मेरा बर्थ मार्क है, ये शोल्डर पे नहीं है। अक्सर मैं आप लोगों को टी शर्ट्स में और शर्ट्स में वीडियो में आता हूँ, तो ये मेरा बर्थ मार्क जो है ना ये छुपा रह गया आप लोगों से। तो मैंने कहा आज मैं आप लोगों को दिखाऊँ अपना बर्थ मार्क भी। तो बस अभी सोने की तैयारी करूँगा क्योंकि नींद तो आ नहीं रही, ज़बरदस्ती सोऊँगा तो नींद आएगी, वरना अम्मी जो है ना सुबह बहुत ज़्यादा शोर करेंगी अगर मैं लेट उठा तो। और ये पानी पीने उठाऊँ क्योंकि मेरे को जो है ना रात में बहुत प्यास लगती है। तो अभी चलें सोते हैं, तो सुबह इंशाल्लाह आप लोगों से मिलेंगे वीडियो के दौरान। तो आप लोगों को भी गुड नाइट और मुझे भी गुड नाइट, दुआ कीजिएगा जो है ना नींद आ जाए अच्छी सी। तो आप लोगों से सुबह मिलते हैं, गुड नाइट, स्टे ब्लेस। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज अलविदा जुम्मा है, तो तमाम मुसलमान बहन भाइयों को अलविदा जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। जैसे कि मैंने रात को भी आप लोगों को 27वीं शब भी मैंने विश की थी, तो अभी मैंने कहा सुबह अलविदा जुम्मा भी विश करूँगा। तो रात की तो मेरे को हो गया था काफ़ी टाइम, सोते सोते क्या उसको कहते हैं 3-4 बज चुके थे मेरे को, और सोते सोते तो मेरे को 5 बज चुके थे। तो अभी मैं उठा हूँ सुबह लेट, बहुत लेट, और अम्मी थी मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा। तो मैंने फ़ौरन से कर दी वीडियो स्टार्ट, मैंने कहा वीडियो स्टार्ट होगी तो अम्मी का गुस्सा जो है ना ठंडा हो जाएगा, आप लोगों के सामने अम्मी मेरे को कुछ बोल नहीं पाएगी। तो ये देखिए अम्मी मेरे पीछे खड़ी हुई है। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे और आपकी दुआओं से हम भी ठीक हैं। और मेरे तमाम मुसलमान बहन भाइयों को अलविदा जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। और आज डोनल ने बहुत तंग किया है मुझे, तो रात को मेरे को नींद ही नहीं थी ना आ रही। तो अभी उठा है, ये 4 बजे हैं अभी उठा है, आज बहुत तंग किया है इसने, इसको समझाना आप लोग, ये बहुत तंग करता है मुझे। तो अभी बन रहे हैं हमारे घर में क्लब सैंडविच। तो क्लब सैंडविच कैसे बन रहे हैं, हम लोग कैसे बना रहे हैं और क्लब सैंडविच कौन बना रहे हैं, वो आप लोगों को अभी चल के उधर दिखाते हैं कमरे में, क्योंकि मेकिंग चल रही है उस वाले मायरा वाले कमरे में। तो उधर अभी चलते हैं तो आप लोगों को मेकिंग भी दिखाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग हमारी वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना। अभी तो अम्मी खा रही हैं मेडिसन, ये देखिए अम्मी को मैं बताता हूँ कि दोपहर वाली कौन सी है, खाना खाने से पहले जो खानी है ये वाली, ये देखें ये लिख के भी दिया हुआ, ये दोपहर और रात को खानी है खाना खाने से पहले। अभी खा लूँगी ना, अभी खाना खाना है तो फिर मेडिसिन खाऊंगी तो खाना खाऊंगी जी। तो ये रहा सामान सारा जो कि क्लब सैंडविच में जाएगा। और ये हैरी बना रहा है क्लब सैंडविच, मेरा हैरी तो अभी ये तैयार करेगा तो फिर बनाता है बहुत यम्मी बनाता है ये जी। तो अभी तो टमाटर कट हो रहे हैं और ये वाला केचप यूज़ हो रहा है बीच में, चिली सॉस जी, हाँ ये भी जी, ये क्या मायोनीस, मायोनीस। और ये एक अच्छा किया ना कल इम्तियाज से जाके ले आए, हम आज देखो काम आ गया। हाँ तो अच्छी बात है ना, जी पड़ी हो तो काम आ ही जाती है जी। हमने कहा चलो इस दफ़ा जो है ना अच्छा किया आपने, पहले छोटा पाउच आता था पर इस दफ़ा बड़ा ले लिया रोबी ने। बस सही है ना, अब वो बनाते हैं ना फिंगर चिप्स भी तो वो भी खाते, उसमें भी इस्तेमाल होता है। सही है। तो चले अभी ब्रेड वगैरह कट होती है तो ये सैलेड वगैरह पूरा कट हो जाए, चिकन वगैरह हो जाए, तो फिर आप लोगों को मिलते हैं अभी थोड़ी देर के बाद।
मेकिंग आप लोगों से पूरी शेयर करेंगे हम लोग। और वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल नहीं जाना आप लोग। तो ये लेवी भी आ चुकी है हमारी, बैठ चुकी है लेवी। और लेवी आज क्या खाएगी? क्लब सैंडविच जी। तो लेवी भी अभी वेट पे बैठी हुई है, सब लोग वेटिंग पे बैठे हुए हैं। तो चले जैसे ही रेडी होते हैं तो फिर। तो सैंडविचेस हमारे बनना हो चुके हैं रेडी। ये देखें अभी ब्रेड की हो रही है कटिंग, और सब कुछ रेडी हो चुका है, चिकन वगैरह, कोल स्लो वगैरह, ये सॉस, ये खुद बनाया सॉस मैंने, होममेड सॉस है। और ये सैंडविच है, होममेड क्लब सैंडविच है, खुद सब मसाले सब लिए रेडी। तो अब ये रख दिया सैंडविच मेकर पैन। तो चले जैसे ही हमारा एक सैंडविच रेडी होता है तो आप लोगों को ज़रूर दिखाते हैं, हम शेयर करते हैं आप लोगों के साथ, जब तक ये सैंडविच की जो है ना ब्रेड सिक जाए। तो आप लोग वीडियो में हमारे साथ ऐसे ही बने रहे। अब पूछते हैं लेवी से, लेवी कैसा बना सैंडविच, पापा ने कैसा बनाया? टेस्टी, ऐसे कर दो, थम कर दो, यूँ टेस्टी, अच्छा लगा आपको? चलो खाओ, गुड गर्ल। गाइस सैंडविच बन के हो चुका है रेडी, और ये देखें कितना यमी सा, लेयर्स चेक करें आप सैंडविच की, कितना टेस्टी। और ये किसका लिए बना है सैंडविच, ये हैरी बताएगा। यमी के लिए बनाया मैंने, तो जिसको खाना है वो आ जाए, जिसको अच्छा लगा है वो भी मुझे बताए कि ये अच्छा बना है कि नहीं बना। और जब हमारे घर पर होम मेड है, इतना कोई वो नहीं है, होम मेड है ये, घर पर बनाया मैंने। तो अम्मी को सर्व करते हैं और अम्मी से कमेंट लेते हैं सैंडविच के बारे में, अम्मी का क्या कहना है। तो जी अम्मी, खा के बोला है मैंने जी अम्मी। गैस चली जानी, चली। तो चलें बाकी के सैंडविचेस भी रेडी कर ले, फिर हम खा लें, तो फिर आप लोगों से मिलते हैं। जिसने खाना है वो आ जाए, वो जी अम्मी बनाए। आ रहा है बाजार का टेस्ट आ रहा है? हाँ आप खा के देखो। नहीं मैं अभी नहीं, मैं एक ही दफ़ा बैठ के आराम से सुकून से खाऊंगा, पानी भर रहा हूँ अभी। बहुत टेस्टी है। तो गाइस हम लोग तो खाना वाना खा चुके, और हम लोगों ने वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि अम्मी वो गंद पड़ा हुआ था ना। हाँ, तो हम लोगों ने कहा पूरी सफाई वगैरह करके, घर नीट करके, ये देखें अब घर वगैरह पूरा साफ़ कर लिया है, क्योंकि भाभी कपड़े धो रही थी तो उसकी वजह से ना कपड़ों का बहुत ज़्यादा गंद पड़ा हुआ था। तो हमने कहा चलो सफाई वगैरह ख़त्म हो जाए एंड, और आप लोगों से इजाज़त तो ना सफाई करके लेंगे आराम से। तो क्या उसको कहते हैं, आज हैरी को भी हमने बड़ी मुश्किल से पकड़ा था। हाँ आज उसने पकड़ के बनाए हैं। हाँ जब ने उसको हैरी को जो है ना सकंजे में ले लिया, और हमने कहा हमारे को क्लब सैंडविच बना के खिलाओ, और नो डाउट क्लब सैंडविच जो है ना बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी बने थे। क्या उसको कहते हैं, ऐसे लग ही नहीं था रहा कि घर से, ऐसे लग रहा है हमने कहीं बाहर से मंगवाए, जहाँ से खाते थे हम लोग केबिस के, ऐसे लग रहा था केबिस के खा रहे हैं, केबिस के खा रहे हैं। और आप लोगों को पता है कि अम्मी की भी तबीयत ख़राब है, तो इस वजह से हमने जो है ना लाइट खाना बनाया कि चलो आज थोड़ा लाइट खाना बनाते हैं, तो अम्मी भी जो है ना पेट भर के खा लेगी। तो अम्मी पेट भर के खाया था, पेट भर के खाया। तो माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपको लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना हमें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना, और अच्छे अच्छे से कमेंट करना। तो अभी दीजिए हमें इजाज़त कल तक के लिए, कल मिलेंगे आप लोगों के साथ एक ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ। कल तक अपना ख्याल रखें, और दुआओं में हमें अम्मी याद रखें। कल तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज।